नेशनल हेल्थ मिशन के अध्यक्ष अरविंद शर्मा ने बताया कि एनएचएम के कर्मचारी कोरोना महामारी के इस दौर में प्रथम पंक्ति में खड़े होकर सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो या फार्मिस्ट हो, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हो या कार्यालय स्टाफ हो, सभी जी जान से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 15 से 20 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देने के पश्चात भी सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है। 15 से 20 वर्षों से किसी भी सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों के लिए कोई नीति नहीं बनाई है। हम कर्मचारी बहुत कम वेतन पर काम करने को मजबूर हैं। कर्मचारी संघ वर्षों से रेगुलर पे स्केल की मांग सरकार से करता आया है, लेकिन सरकार है कि इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद शर्मा ने बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों में काफी रोष है तथा आने वाले समय में कर्मचारी ठोस कदम उठाने को विवश हो जाएंगे। वर्तमान समय में महंगाई चरम पर है, महामारी का दौर है और नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों का वर्तमान और भविष्य दोनों असुरक्षित है। 15 से 20 सालों से जो कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए तो कोई नीति सरकार आज तक नहीं बना पाई और अब नेशनल हेल्थ मिशन में लगभग 150 नई नियुक्तियां कर दी गई हैं। पुराने कर्मचारी बिना किसी नीति और रेगुलर पे स्केल के ही सेवानिवृत्ति तक पहुंच गए हैं। कर्मचारियों का जीवन बर्बाद कर दिया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी अब अन्याय और शोषण सहन नहीं करेंगे तथा साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह करते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए और जल्द से जल्द रेगुलर पे स्केल प्रदान किया जाए। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी मुख्यमंत्री से नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मिल चुके थे, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों के हित के बारे में सरकार की ओर से उन्होंने आग्रह किया है कि 15 अगस्त को इन कर्मचारियों के बारे में सोचा जाए। महिला कर्मचारी गर्भवती है, विभाग के द्वारा ये भी नहीं सोचा गया कि एक गर्भवती कर्मचारी से वो कहाँ ड्यूटी ले रहा है। विभाग को चाहिए था कि उसे ऑफिस में बिठाकर कोई अन्य कार्य करवाया जाता ताकि वो सुरक्षित रहती और उसका गर्भ में पल रहा बच्चा भी सुरक्षित रहता। आज वो पॉजिटिव है। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो बहुत जल्द स्वस्थ हो और दोनों माँ और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी स्वस्थ रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, इतना सब कुछ होने के बावजूद नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों के लिए कहीं से कोई शाबाशी नहीं दी जा रही। हिमाचल प्रदेश की सरकार इतनी बेरुख क्यों है? क्यों नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल तक नहीं दे पा रही? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे ये नहीं कह रहे कि आप हमें रेगुलर कर दीजिए, आप हमें नियमित कर दीजिए। हम तो मात्र इतना कह रहे हैं कि आप हमें रेगुलर पे स्केल दे दीजिए, जो कि आप पहले भी प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जितनी भी स्कीमें हैं उनके कर्मचारियों को ये प्रदान किया जा चुका है, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, मनरेगा हो, RKS IGMC शिमला हो, मेडिकल कॉलेज नाहन, मेडिकल कॉलेज टांडा। यहाँ के कर्मचारियों को जब आप रेगुलर पे स्केल दे सकते हैं, एक नोटिफिकेशन जो 2016 में हुई थी उसको आधार मानकर आपने ये रेगुलर पे स्केल इन कर्मचारियों को प्रदान किया है, तो नेशनल हेल्थ मिशन के जो मेन स्ट्रीम के कर्मचारी हैं उनके साथ ये अन्याय क्यों? हम आपको प्रार्थना के साथ ये अवगत करवाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एक वर्ष पहले 14 अगस्त को मारवी रेस्ट हाउस में आपके साथ मुलाकात के समय हमने ये गुजारिश की थी कि आप 15 अगस्त 2019 को नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल प्रदान करें। उस दिन आपने कहा था कि कल तो हम घोषणा नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत जल्द हम आपका ये काम कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक साल बीत जाने के बाद भी सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते। नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी पूरी नजरें गड़ाए हुए एकमात्र आपसे ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आप बहुत जल्द हमें रेगुलर पे स्केल प्रदान करेंगे। एक साल बीत जाने के बाद 15 अगस्त 2020 भी आने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस 15 अगस्त को नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल प्रदान करके हजारों परिवारों का कल्याण करें जो इस महंगाई के दौर में बहुत ही मुश्किल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल से भी गुजारिश करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उन्हें नया स्वास्थ्य मंत्री हमारा नियुक्त किया गया है, लेकिन कोरोना की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम उनसे मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं।
इसलिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप भी इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल प्रदान करें।